लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। केंद्र और राज्य सरकार प्रदूषण रहित परिवहन को प्रोत्साहन दे रही है। इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी नए नए लॉन्च हो रहे हैं और इन वाहनों की इलेक्ट्रिक चार्जिंग के लिए मुंबई में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन तैयार हुआ। मजेंटा ग्रुप ने इसको तैयार किया है। इस वक्त हमारे साथ मजेंटा ग्रुप के MD हैं मैक्सन लेविस साहब। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का ये चार्जिंग स्टेशन है, क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है इसको स्टार्ट करने के लिए? सबसे पहले नमस्कार और यहाँ आने के लिए थैंक यू। ये जो स्टेशन है मजेंटा का जो नेतृत्व है भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने के लिए, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जैसे ही भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बढ़ावा कर रहा है लेकिन चार्जिंग स्टेशन उसमें सबसे पहला दिक्कत है। तो 2018 से हम काम कर रहे हैं अलग अलग तरह के चार्जिंग स्टेशन डालने के लिए। कुछ होते हैं घर के अंदर, कुछ होते हैं ऑफिसेस में, कुछ होते हैं कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस के वहाँ। ये जो है एक अलग ही तरह का चार्जिंग स्टेशन है जहाँ पर हम ऊपर हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेशन भी है लेकिन यहाँ पर R&D के साथ साथ हमने भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन जो डाला है जहाँ 21 चार्जिंग स्टेशन है। आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो 3 चार्जिंग स्टेशन है, वो जो DC चार्जिंग स्टेशन है, लेकिन जो कंपाउंड के जस्ट बाहर ही 8 AC चार्जर्स हैं और सामने और 9 AC चार्जर्स चार्जिंग स्टेशन का जो फैसिलिटी है। तो कुल मिला के 21 चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर हैं। और एक इसकी खूबी यह है कि ये जो चार्जिंग स्टेशन है ये सोलार पे चलने वाला है। जिस ऑफिस को आप देख रहे हैं उसके ऊपर 50 किलोवाट का जो हमने सोलार भी लगाया ताकि जो बिजली भी है वो जो शुद्ध बिजली हो। तो यही हमारा नेतृत्व है और ये एक हम ये दिखाना चाहते थे कि मुंबई जैसे शहर में भी या नवी मुंबई जैसे शहर में जैसे ही चार्जिंग स्टेशन लगाएँ किस तरह से लोगों को एक उनका जो एक डर होता है चार्जिंग की तरफ वो ख़त्म हो जाए और उसको बढ़ावा मिले। एक बात बहुत बढ़िया आपने कही कि ये कन्वेंशनल एनर्जी पर सोलर ऊर्जा पर चलने वाले सेंटर से किस तरह की तैयारी करनी पड़ी थी, इसको कितना चैलेंजिंग था, चूँकि नवी मुंबई में इसको अपने सेंटर बनाया, इसके पीछे क्या मकसद रहा, क्या उद्देश्य रहा? 2018 में ही हमने भारत का सबसे पहला सोलर बेस्ड EV चार्जिंग स्टेशन सेटअप किया था यहाँ से कुछ स्टेप्स पीछे ही, और वो जून 2018 में था। और उससे जो हमें प्रोत्साहन मिला वहाँ पर जो गाड़ियाँ आने लगी उससे हमको ये समझ आया कि इस यहाँ पर ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस की ज़रूरत है। नवी मुंबई क्यों? क्योंकि हम नवी मुंबई से हैं। हमारा जो सेटअप जो शुरू हुआ था एक छोटे से गराज से शुरू, बिल्डिंग के टेरेस पे एक छोटा सा गराज से शुरू हुआ था, वहाँ से कोपर केना और फिर यहाँ पर हम आए और ये बढ़ावा हो रहा है। दूसरा ये है कि हम जानते हैं कि मुंबई जैसे शहर में जगह की किल्लत है, नवी मुंबई हो मुंबई, और यहाँ पर अगर हम ऐसे सेटअप कर सकते हैं तो लोगों को इजी पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक ये नहीं होगा हम ये नहीं कह सकते कि हम रियली सपोर्ट कर पा रहे। अब इसके लिए तैयारी के बारे में बताना चाहें तो तैयारी तो 3 सालों से चल रही थी, इस इलाके का तैयारी कुछ 4 महीने से चल रहा था। और तैयारी इसलिए होता है कि चार्जिंग जो लगाना है, चार्जर लगाना है, ऐसा नहीं कि कहीं से आप चार्जर लाएँ और लगा दें। इसके पीछे बहुत सारा चैलेंजेस हैं। राहुल गुप्ता जो हमारे चार्जिंग बिजनेस सर्विस को लीड करते हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन ये जो चार्जर जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ आपको सामने दिखाई दे रहा है, उसके पीछे बिजली, इसके नीचे कितने वायर्स हैं, ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है, जो अलग अलग तरह के अथॉरिटी से प्रोविजन लेना, ये सब करने के लिए हमें साधारण 3.5 से 4 महीने लगे। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब व्हीकल सर्विस स्टेशन तो चार्जिंग स्टेशन बन गए हैं, कितनी व्हीकल्स आपको लगता है कि इस वक्त मुंबई और खासकर नवी मुंबई में आसपास जो उपनगर है वहाँ पर हैं और कितने सर्विस चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत है? बराबर ऐसा है, एक थंब रूल जिसको बोलते हैं कि हर एक गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी जब होगी उसको 1.5 या 2 चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। क्यों? क्योंकि चार्जिंग में क्या होता है कि आप जहाँ जहाँ रुके हैं उसमें एक टाइम एलिमेंट है,
समय का एक समय लगता है, तो आपको ज़्यादा ऐसा नहीं कि एक पेट्रोल पंप में जैसे लोग सोचते हैं एक पेट्रोल पंप की डिस्पेंसिंग में 10 लाइन में लग जाते हैं, वैसा नहीं, यहाँ तो कुछ अलग है प्रकार। तो आपको हर गाड़ी के पीछे 1.5 या 2 चार्जिंग स्टेशन लगते हैं, इतना बड़ा नहीं लगेगा, छोटा भी हो सकता है। लेकिन हम लोग जो ये जो सेटअप कर रहे हैं, अब ये जो सेटअप हो चुका है इसमें एट दिस पॉइंट इन टाइम यहाँ पर 21 जो है, लेकिन ऑलरेडी पायलट्स हमारा 2018 से चल रहा था। ये जो चार्जर जो सामने चार्जर है, तीन महीने से रनिंग है, टेस्ट चल रहा था। यहाँ पर नज़दीक जो IT सेंटर्स है वहाँ से व्हीकल्स आके यहाँ चार्जिंग करते हैं, हालांकि आज हमने उनको अलग जगह पे मूव किया, बट नॉर्मली यहाँ पर गाड़ी चार्जिंग दिन में 2 या 3 गाड़ी चार्जिंग होती रहती है। जैसा आप लोगों का डेटा भी बता रहा है कि 2026 तक तकरीबन 20 लाख ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन से यहाँ मुंबई में खासकर आ जाएंगे, मुंबई और आसपास के उपनगरों में। इसके लिए कुल कितने स्टेशन की जरूरत रहेगी और मैजेंटा ग्रुप कितने सर्विस इस तरह से चार्जिंग स्टेशन तैयार करने वाला है? तो हालांकि हम कितने गाड़ियाँ उसके बारे में नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ हों, और इस पर बहुत सारे चीज़ इस पर के ऊपर निर्भर करता है, गवर्नमेंट स्कीम्स, प्राइसेस क्या होगा, बैटरी प्राइस क्या होगा, और क्या चार्जिंग स्टेशन कितने होंगे। सबसे पहले तो इस साल हम 4000 चार्जिंग स्टेशन इंडिया में सेट कर रहे हैं, ना ही मुंबई में ही लेकिन अक्रॉस इंडिया, उसे लीड कर रहे हैं राहुल। इस पर 2 अलग प्रकार के चार्जिंग स्टेशन हैं, एक जो है जो पेट्रोल पंप्स में लग रहे हैं, हमारे कुछ टाइप्स हैं, दूसरा है सरकार की तरफ से जो FAME II स्कीम के अंतर्गत जो 3000 चार्जिंग स्टेशन लग रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस साल का हमारा जो प्लान है 4000 चार्जिंग स्टेशन लगना ही है, और अगले साल में कुल मिलाकर 10000 एडिशनल चार्जिंग स्टेशन और लगेंगे। हम चाहेंगे कि इस साल 4000 और बाय एंड ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 15000 चार्जिंग स्टेशन मजेंटा के ही ऑपरेशनल होने हैं। किस तरह की पॉलिसी की जरूरत है आपको लगता है कि एज ए मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर किस तरह की पॉलिसी अभी जरूरत है खासकर इंडिया में? आपने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, एज ए मैन्युफैक्चरर एंड ए सर्विस प्रोवाइडर, और ये एक यूनिकनेस है मजेंटा का। हम लोग एक इंटीग्रेटेड EV चार्जिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर हैं, तो इन दोनों के रिक्वायरमेंट्स गवर्नमेंट के लिए थोड़े से अलग हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम ये चाहते हैं कि एक ऐसी सुविधा हो जहाँ पर हम बड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगा पाएँ, अगर उसके लिए गवर्नमेंट लैंड और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पाएँ, बाकी हम लोग कर सकते हैं। और गवर्नमेंट की स्कीम्स ऑलरेडी हैं, PLI स्कीम्स कुछ हद तक हैं, नॉट एप्लीकेबल फॉर EV चार्जर मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन वो बैटरी के लिए। लेकिन जो दूसरी तरफ जो आपने बताया कि सब्सिडी ऑन गवर्नमेंट से जो ये है, कल ही मैं ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय आदित्य ठाकरे जी ने अनाउंस किया EV पॉलिसी फॉर महाराष्ट्र, वैसे हर एक स्टेट अनाउंस कर रहा है, कल ही उन्होंने अनाउंस किया और कल ही हमारा भी इनॉग्रेशन उसी वक्त हो रहा था। उसके अंतर्गत चार्जिंग स्टेशन को, पहले 500 चार्जिंग स्टेशन को 50% गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल रही है। तो हम जानते हैं कि स्टेट लेवल पे और सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे दोनों तरह से प्रोत्साहन आ रहा है व्हीकल्स के लिए भी। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे तो आपको रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात है कि चार्जिंग स्टेशन के लिए भी अभी सब्सिडीज आ रही हैं, ना ही महाराष्ट्र में, अलग अलग जगह पर, बट हम महाराष्ट्र में होके हमें बहुत खुशी की बात है कि कल जैसे ही हमने अनाउंस, यहाँ इनॉग्रेशन हो रहा था, उस तरफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो EV पॉलिसी के अंतर्गत चार्जिंग स्टेशन के लिए भी सब्सिडी अनाउंस किया हुआ है। आप चैलेंज इसमें किस तरह के आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में आप चाहेंगे कि गवर्नमेंट इसको सबसे पहले टैकल करे और ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन मिल सके? इस प्रश्न का उत्तर कुछ अलग ही है, ये नॉर्मल चार्जिंग स्टेशन के बारे में नहीं होगा, क्योंकि 60% चार्जिंग जो होता है वो बड़े DC चार्जिंग में नहीं होता है, वो होता है घर में और ऑफिसेज में। तो उसके लिए गवर्नमेंट का जो एक 2019 में एक नोटिफिकेशन आया था, बायलॉ आया था, मॉडल बायलॉ, कि 25% जो 25% पार्किंग जो बिल्डिंग नए बिल्डिंग्स में होंगे उनके प्रति 25% जो पार्किंग लॉट में चार्जिंग स्टेशन होना ज़रूरी है या चार्जिंग का जो प्रबंध होना, ये मॉडल बायलॉ से नोटिफिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। जिस दिन वो होगा, खरीदार जब नया घर खरीदेगा उसको ये पता चलेगा कि अगर मैं गाड़ी खरीदूँ, घर खरीदूँ तो गाड़ी के लिए पार्किंग और पार्किंग में चार्जिंग, ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से। हालांकि रोड साइड चार्जिंग के लिए सब्सिडीज वगैरह वो अलग हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में होता है कि सपोर्ट करना होता है, कुछ चीज़ों में होता है आदेश देना होता है, ये आदेश की थोड़ी ज़रूरत है अभी फिलहाल, ऐसे मुझे लग रहा है। मैं राहुल से जानना चाहूँगा, बिजनेस पॉइंट से बताइए कि आने वाले समय में इसकी क्या अपॉर्चुनिटी है इस तरह के चार्जिंग स्टेशंस की, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है उसको कितना फ़ायदा आने वाले समय में हो सकता है? बहुत फ़ायदा हो सकता है और बहुत ज़रूरत भी है,
इसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि आप एक छोटी सी चीज़ है जिसको हम सब लोग समझते हैं, बिना चार्जिंग स्टेशन के गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी कामयाब नहीं हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हर जगह पे एक नेटवर्क ऑफ चार्जिंग स्टेशन गवर्नमेंट लेके आए, गवर्नमेंट भी लेके आए, बाकी प्राइवेट एंटिटीज़ भी लेके आए, सब मिलजुल के एक साथ काम करें। हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि मैक्सिन जी ने बताया कि 4000 चार्जर इस साल में लेके आ रहे हैं, प्लस 10000 चार्जर अगले साल का प्लान है। होपफुली वी विल क्रॉस दिस टारगेट, इससे कहीं ज़्यादा आगे करेंगे विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। बट साथ में ये भी ज़रूरी है कि गवर्नमेंट, काफ़ी सारी कठिनाई है इसमें, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी लोड, वो बहुत बड़ा दिक्कत है हर जगह पे। बड़ा चार्जर जहाँ पे लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लोड भी ज़्यादा चाहिए होता है। वो चीज़ को गवर्नमेंट को थोड़ा सा सॉल्व करना चाहिए, उसके लिए स्टेप्स जो हैं एक एक करके जो एक लोड लेने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको आसान बनाना चाहिए लोगों के लिए, ताकि लोग इसको खुद अपना इन्वेस्टमेंट डाल के करवा सकें। जैसा हमने पहले इधर में एक चार्जर लगाया था जब मेरे पास में 3 गाड़ियाँ आती थी, आज के टाइम में मैंने 3 चार्जर लगाए हैं, तो कल से मेरे को रेगुलर बेसिस पे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि आपके चार्जिंग स्टेशन पे हम गाड़ी भेज सकते हैं क्या। दोनों टाइप के चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत है, फास्ट भी ज़रूरत है, स्लो भी ज़रूरत है, दोनों की अपनी अहमियत है। कई जगह पे स्लो चाहिए, कई जगह पे फास्ट चाहिए। बहुत बढ़ावा मिलेगा आई बिलीव कि इस चीज़ को देखते हुए, नवी मुंबई में हुआ है, मुंबई के बाकी जगह पे भी होगा, और फिर धीरे धीरे करके सब जगह पे ये चीज़ हम भी ले के जाना चाहते हैं इसको। लेश जी, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, जैसा आपने कहा चूंकि मैजेंटा ग्रुप खुद मैन्युफैक्चरर भी है, इस तरह के चार्जिंग स्टेशन को बनाने की का हुनर रखती है, आपको लगता है कि अगर सोसाइटियों में इस तरह की परमिशन, गवर्नमेंट कुछ क्लियर पॉलिसी देती है कि कंस्ट्रक्शन के समय ही पार्किंग में चार्जिंग स्टेशन होंगे, कि इसका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, खासकर जो प्रदूषण से रहित जो परिवहन है, उसको बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन मिल सकता है? बहुत ही ज़रूरी है ये जो सक्सेस है, अगर ये संभव करना है सरकार को ये नियम लाना ही होगा। इससे क्या होता है कि उसे बहुत सारे चीज़ें, जिसको बोलते हैं ना चक्कर शुरू, एक के पीछे एक बैठना शुरू हो जाते हैं, कि बिल्डर चार्जिंग स्टेशन के लिए ढूंढेगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी लोड पहले ही लिया जाएगा, बाद में नहीं लिया जाएगा, लोगों के लिए जो जगह है पार्किंग और चार्जिंग के लिए वो नियमित हो जाएंगी। जैसे ही ये हो जाता है, जब मुझे ये पता चलता है कि मेरे घर के नीचे मैं गाड़ी चार्ज कर सकता हूँ और मुझे पेट्रोल पंप पे जाने की ज़रूरत नहीं है ऊर्जा के लिए, वो मेरे घर पे आ रहा है ऊर्जा, उस समय जो माइंड ब्लॉक है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ वो निकल जाएगा। और मैं तो 2017 से इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर रहा हूँ, सोलर पे चार्जिंग होता है, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे को कभी दिक्कत नहीं हुआ है। हालांकि हाँ, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए अलग सॉल्यूशन है, बट अगर सिटी के जो अंदर जो ट्रैफिक है, सिटी के अंदर का जो मूवमेंट है, इसके एक नंबर देना चाहूँगा, एक साधारण मनुष्य जो गाड़ी लेके जाता है दिन में 80 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं लेके जाता। अगर मैं रात को चार्जिंग करूं, ऑफिस जाऊं, वापस आ जाऊं, रात को वापस चार्जिंग करूं, तो मेरा मोस्ट ऑफ 90% ऑफ जो अर्बन ट्रैफिक वहीं सॉल्व हो जाता है, इलेक्ट्रिक में सॉल्व हो जाता है। तो इसके लिए ये अगर ये उद्देश्य सामने रख के देखें तो ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ये नियम जल्दी से जल्दी ले आए। एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि मैजेंटा नवी मुंबई में है, ये सेटेलाइट सिटी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा प्रमोशन देने की ज़रूरत है, किस तरह की अपील करना चाहेंगे लोगों से कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ज़्यादा उनका रुझान बढ़े? अपील तो यही है, दो तरह के अपील हैं। सबसे पहले, अगली बार आप कोई नई गाड़ी खरीदना चाहें तो ज़रूर एक बार सोचिएगा कि मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी क्यों ना लूँ, क्योंकि वो जो एक जो प्रॉब्लम था लोगों का, दो प्रॉब्लम्स थे, एक जो कॉस्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी की, वो अगर आप पेट्रोल के प्राइसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ऑलरेडी पेट्रोल इलेक्ट्रिक व्हीकल चीप हो गए हैं। दूसरा है जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो रहा है, तो अगली बार आप जब भी सोचें, सिर्फ एक बार अपने आप से प्रश्न पूछिएगा कि आप यही चाहेंगे कि आप आपके बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके एक क्लीनर फ्यूचर रखना चाहेंगे, या आप वही पेट्रोल डीजल गाड़ी लेके ही चलाना चाहेंगे। ये मेरा उनसे अपील रहेगा। दूसरा ये और एक जो रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपके पास जगह है जहाँ पर आप खुद के लिए चार्जिंग और दूसरों के लिए भी चार्जिंग दे सकते हैं, ये एक सोशल कॉज के मामले में, और आपको उसके लिए कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ मैजेंटा आके हेल्प कर सकती है। हम लोग चार्जिंग आपके लिए भी और आपके दोस्तों और दूसरों के लिए भी हम लोग सेटअप कर सकते हैं। ये दो चीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा लोगों से। बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया। कि जैसा आपने देखा कि अब मैजेंटा ग्रुप इस तरह की व्यवस्था कर रहा है कि अगर आपके पास व्हीकल
है इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर आप चार्जिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सर्विस स्टेशन में, सर्विस सेंटर पर आ सकते हैं, चार्जिंग स्टेशन पर आ सकते हैं। अन्यथा ये एक ऐसी कंपनी है जो खुद मैन्युफैक्चर कर रही है, अगर आप अपने बिल्डिंग में भी इस तरह की चीज़ें लगा सकते हैं सोशल कॉज के लिए, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो प्रदूषण रहित परिवहन है उसको बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन मिल सकता है और इससे ना सिर्फ आपके पैसे की बचत होगी बल्कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। कैमरामैन प्रकाश के साथ सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई।